Subscribe now for all the latest and trending updates. बिग बॉस सीजन 14 के बाद निक्की तंबोली ने कई सारे इंटरव्यूज दिए। इन तमाम इंटरव्यूज के बीचों बीच निक्की तंबोली ने अली गोनी और जैस्मीन भसीन के बारे में भी एक ऐसा बयान दिया जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। दरअसल सवाल नहीं पूछा गया था अली गोनी और जैस्मीन से जुड़ा हुआ, लेकिन जवाब में निक्की ने अली और जैस्मीन का ही नाम लिया। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। निक्की तंबोली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि भाई रूबीना द लायक डिजर्विंग विनर थी। तो भाई रिपोर्टर ने उनसे कहा कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि कलर्स की फेस है इसीलिए जीत पाई है, कलर्स की फेस है इसीलिए विनर बनी है बिग बॉस सीजन 14 की। तो निक्की तंबोली इस पर कहती हैं कि देखिए, अगर ऐसी बात है कि रूबीना कलर्स की फेस है तो कलर्स की फेस तो जैस्मीन और अली गोनी भी थे, तो ये दोनों क्यों नहीं बने विनर। देखो ऐसा होता है कि ये सब फैंस का सपोर्ट है, फैंस का सपोर्ट रूबीना को काफी ज्यादा मिला तो रूबीना द लायक बिग बॉस सीजन 14 की विनर बनी। अगर कलर्स की फेस की बात होती तो फिर अली गोनी या जैस्मीन से में से भी कोई एक विनर बन सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल डिजर्विंग विनर है। भाई यहाँ पर निक्की तंबोली ने तो दे दिया है बड़ा बयान, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और इसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल इंटर न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।